चाहे पूरा मुस्लिम संगठन भी आप लोगों के साथ है और मैं भी आपको तन मन धन से आपके साथ हूँ। अगर मेरी आदिवासी भाइयों के लिए मेरी जान भी जाती है तो दे दूंगा, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि हमारे बहुजन के लोगों को ऐसे घसीट घसीट के मारा जाए और 4 लाख 5 लाख मार जाते उसमें हम संतुष्ट हो जाए, ये कथा ही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। हमारी मां के कि हमारे जो मृतक है उनकी पत्नी को 1 करोड़ रुपया मुआवजा, उनके भाई को सरकारी नौकरी और उनकी सुरक्षा की गारंटी भी जिला प्रशासन ले, नहीं तो जो हमारे वक्ताओं ने जो हमारे समाज के लोगों ने 3 महीने का जो आपको एल्टीमेटम दिया है हम खाली गीतर भक्की नहीं देते, करके भी बता देंगे 3 महीने में रिटर्न दे देंगे आपको। बाकी अब ये आपकी तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्यों भाइयों, इनको जलन हो गई है कि दलित मुस्लिम एक मंच पर आ रहा है, दलित मुस्लिम एक मंच पर आ रहा है, इनको जलन हो रही है। इसीलिए आए दिन इन लोगों ने मध्य प्रदेश को तालिबान बना रखा है। ये तालिबान की बात करते हैं, तालिबान तो हमें यहाँ देखने को मिला, हमारे भाई को घसीट घसीट कर 20 मिनट तक उसको गाड़ी से घसीटा। क्या प्रशासन और बाकी के जो लोग हैं किसी भी वर्ग विशेष के हों उनके दिल में दया नहीं थी कि भाई इस तरीके का काम मत करो, ये जघन्य अपराध मत करो। तमाशा देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे कि ये तो कौमी है, इसको मारो। बाकी भाइयों आप और हम अब जाग गए हैं, आप और हम जाग गए हैं। जहां भी अगर इस घटना के बाद में कोई भी घटना होती है तो तत्काल अपन लोग तत्काल अपना बदला लेके लेंगे ना। बस यही मैं चाहता हूँ, आपने मुझे समय बोलने का समय दिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भील प्रदेश, जय मूल निवासी, जय संविधान। सब लोग होश में हो, आवाज आ रही है, आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगे, नहीं करोगे ये बता जहाँ हो वही पीछे लोग।